हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। फ्रेंड्स, आज मैं अपने गार्डन का एक छोटा सा वर्क आप सभी को दिखाने वाली हूँ जो कि मैंने किया हुआ है। और इसी तरह से गार्डन में थोड़े थोड़े काम करने से ही गार्डन एक खूबसूरत लुक में आता है। और जब गार्डन में प्लांट अच्छे हरे भरे हो जाते हैं और वो मैच्योर हो जाते हैं तो उनकी फ्लावरिंग खूबसूरती से होने लगती है। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आप सभी के साथ वो छोटा सा वर्क मैं दिखाने वाली हूँ जो मैंने अभी किया है। और जो भी हमारे नए भाई बहन हैं वो इस तरह से थोड़े थोड़े कामों को करते हुए अपने गार्डन को एक खूबसूरत लुक दे सकते हैं और बड़ा सा बड़ा गार्डन बना सकते हैं। तो आप हमारे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने गार्डन के कुछ खिले हुए फूल दिखा देती हूँ जो कि इस तरह से ग्रुप में खिल रहे हैं और बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं। इन दिनों हमारे गार्डन में बहुत सी तितलियाँ, भौरे और मधुमक्खियाँ आ रही हैं जो कि देखने में तो खूबसूरत लग ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारे गार्डन में जो फ्लावरिंग हो रही है और उससे अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से मेरे यहाँ सभी फ्लावरिंग प्लांट जो हैं वो अभी बहुत अच्छी ग्रोथ पे बने हुए हैं और इनमें भर भर के फूल आ रहे हैं। समय से मैं अपना सभी गार्डन आप सभी को दिखाती रहती हूँ। और मैं यहाँ तक जब पहुँची हूँ तो मेरे यहाँ पास में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और मैं बता दूँ किस चीज़ की वो खुशबू है। वो है मधुकामनी जो कि खिली हुई है और बहुत ही खूबसूरती से उसमें फूल आए हुए हैं और पूरा गार्डन खुशबू से भरा हुआ है। जो कि अभी दिन के 12:30 बज रहे हैं और मैं अपने गार्डन में काम कर रही थी तो मुझे लगा कि वो वीडियो आप सभी के साथ शेयर करनी चाहिए, इसलिए से मैं इस समय अपने गार्डन में हूँ। और यहाँ पर देखिए मधुकामनी है और इसमें कल फूल आए हुए थे, काफ़ी फूल झड़ चुके हैं नीचे और अभी भी इसमें फूल बने हुए हैं। तो इनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, 24 घंटे ही इसमें फूल रहते हैं, उसके बाद में झड़ जाते हैं। लेकिन हाँ, जो भी खुशबू इसमें फैलती है इन फूलों से वो बहुत ही अच्छी होती है और महसूस करने लायक होती है। इसी से अट्रैक्ट होकर हम सभी अपने गार्डन में फ्लावरिंग प्लांट लगाना पसंद करते हैं और गार्डन हमारा फूलों से और खुशबू से भरा होता है। तो चलिए आते हैं अपने मेन टॉपिक पे और कौन सा काम मैंने किया है और कैसे किया है वो भी मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर अलमंडा बहुत ही अच्छी तरह से खिले हुए हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इनमें देखिए छोटी छोटी सी तितलियाँ उड़ रही हैं और पूरे प्लांट में ये भरी हुई हैं फूलों में। तो कुछ इसी तरह से आप भी प्लांट को अपने गार्डन में फ्लावरिंग प्लांट लगाइए और ये सब खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलता ही रहेगा। मैं 2 दिन पहले कुछ प्लांट खरीद करके लेके आई थी, वो मैंने वीडियो में आप सभी के साथ शेयर नहीं किया हुआ है। वो 3 प्लांट थे जिसमें से ये एक हिबिस्कस था और इसके फूल अभी गिर गए हैं, 2 फूल इसमें खिले हुए थे। मैंने इस प्लांट को लगाया नहीं और ये अभी तक हमारे गार्डन में रखा हुआ था, इसलिए से इसके फूल गिर चुके हैं। तो अभी इसकी मिट्टी नमी है इसलिए से मैंने इसे पॉट नहीं दिया है, मिट्टी सूख जाने पर हम इसे पॉट देंगे। तो 3 प्लांट मैंने लिए थे जिसमें से ये हिबिस्कस है और भी मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पेंटास है और पेंटास भी मैंने ला करके इसी तरह से रख दिया था। यहाँ पर येलो टिकोमा है और येलो टिकोमा भी आप देख सकते हैं किस तरह से प्लांट हो गया है। मैं इन प्लांट को 3 दिन पहले लाई थी और जब मैं लेकर आई थी तो नर्सरी में ही इसके मिट्टी सूखी हुई थी और मैंने ला करके इसी तरह से शेडी प्लेस में रख दिया था। फिलहाल मैं 2 दिनों से इनमें पानी नहीं डाल पाई जिसकी वजह से ये मुरझाए हैं। अभी मैंने इन्हें पॉट दिया हुआ है, तो प्लास्टिक का पॉट मैंने इन्हें दिया है और वेल्डेन मिट्टी बनाई हुई है जो कि मैं अपने गार्डन में बनाती हूँ। पुरानी मिट्टी तो होती ही होती है, साथ ही उसमें काउडंग कंपोस्ट मिक्स होता है, अच्छी तरह से सैंड वगैरह मिला होता है, ऐसी मिट्टी मैंने बना करके इस पेंटास को लगाया है। अभी इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं, इसकी जो ऊपर की टिप है सब नीचे झुक चुकी है, लेकिन ये प्लांट अभी ठीक है, अभी ख़राब नहीं होगा। और मैं अब इसमें पानी डालूंगी और इसे इसी तरह से शेडी प्लेस में रहने दूंगी। बाहर धूप बहुत तेज़ है और जिसकी वजह से मैंने इन्हें शेडी प्लेस में रखा हुआ है। सेम इसी तरह की मिट्टी बनाई है और ऐसा ही मैंने प्लास्टिक का पॉट लिया है, पॉट ये 12 इंच के हैं और मैंने येलो टिकोमा को भी लगा दिया है। इसकी जो नीचे की पत्तियाँ थी वो थोड़ी मुरझा करके गिर चुकी हैं तो मैंने उन पत्तियों को हटा दिया है और प्लांट अभी अच्छा है, लग जाएगा। तो इस तरह से मैंने इन दोनों प्लांट को लगाया। ये इस तरह से काले पॉट में थे और मैंने इन पॉट को भी फिल करके रख दिया है।
ताकि इसमें कोई भी कटिंग लगानी हो तो बहुत ही ईजिली लग जाए और उसे फिर से फिल ना करना पड़े। यहाँ पर मैंने एक टब भी फिल करके रखा हुआ है, ये है कंपोस्ट और कुछ तो इसमें डिकम्पोज हो गई है और कुछ अभी नहीं हुई है। ये मैंने एक पॉलीथीन में भर करके रखा हुआ था तो इसे मैंने फिल किया है। देखिए ये लोहे का टब है और इसका जो नीचे का बेस है वो टूटा हुआ है तो मैंने इसमें ग्रो बैग लगाया हुआ, ग्रो बैग का एक कपड़ा लगाया हुआ है जो मैं अपने पॉट में लगाती हूँ सब में, और लगाने के बाद में नीचे मैंने किचन वेस्ट डाला है, ऊपर मैंने गार्डन का वेस्ट डाला है। जो भी झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, पत्ते मिट्टी खाद वगैरह जो बह के निकलती है वो मैं एक पन्नी में पॉलीथीन में रख देती हूँ और जब मुझे किसी भी पॉट को फिल करना होता है तो नीचे मैं बेस में डाल देती हूँ। बाकी जो भी अगर प्लांट निकालती हूँ वो भी इसमें डाल देती हूँ। देखिए इस तरह की जड़ें वगैरह रहती हैं जिसमें खाद मिट्टी लगी होती है, और ये बालसम का प्लांट अब फ्लावरिंग करके ख़त्म हो गया था तो मैंने इसे तोड़ करके इसमें डाल दिया है। जब मुझे इसमें कुछ लगाना होगा तो मैं ऊपर से मिट्टी डालूंगी और उसमें लगा दूंगी। तो मेरा इसमें लगाने का मन तो क्या है कि धनिया मैं लगाऊंगी, तो धनिया लगाने के लिए मैंने इसे अभी फिल किया हुआ है। तो इस तरह से छोटे छोटे कामों को करते हुए ही गार्डन को एक नया लुक दे सकते हैं और गार्डन को हरा भरा व सुंदर बना सकते हैं। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो थी, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आई होगी। इतने काम को करते हुए मैंने इस वीडियो को शेयर किया हुआ है और आप सभी को पसंद आएगा। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए बाय।